देखो बेसिक कंसेप्ट पहले सीख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा जो सब्जेक्ट है वो किस बात के ऊपर डिपेंड है, यहां तुमको डिसीजन मेकिंग करना है। जैसे हम दो तीन एग्जांपल कोट करते हैं, हमको दो टाइप का मशीन मेरे सामने ऑप्शन दिया गया है, कौन सा मशीन खरीदे ये डिसाइड करना है। दो अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, किस में इन्वेस्ट करें तो फायदा होगा वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होता है। दो प्रपोजल में से कौन सा प्रपोजल चूज करें, किसमें ज्यादा बेनिफिट है मेरे लिए। उसके अलावा आज पैसा लगाएं कि दो साल बाद पैसा लगाएं इस चीज में, ये सब डिसीजन लेने हैं। तो तुमको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं, एसेट खरीदना है कि नहीं, रेंट पे लें कि परचेज कर लें, ये डिसीजन लेना। फाइनेंस को मैनेज करना है, तुम जो पैसा लगाओगे उसका प्लानिंग करना है ठीक से, यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोगों को देखो यहां पे स्क्रीन पे हम तुमको दिखा रहे हैं चैप्टर वन का नोट से, ये तुमको ये बता रहा है कि तुमको इस चैप्टर में दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वैल्यू दे देगा बोलेगा फ्यूचर वैल्यू निकाल के बताओ, या फ्यूचर वैल्यू दे देगा बताओ आज कितना इन्वेस्ट करें। हम दो एग्जांपल कोट करते हैं, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारे पास आज 1,00,000 रुपए है, अगर तुम बैंक में इन्वेस्ट करते हो या किसी बिजनेस में डालते हो तो 1 साल बाद कितना रिकवरी होने का चांस है। 1 लाख का 1,10,000 मिलेगा कि 1 लाख का 1,02,000 मिलेगा कि 1 लाख का 1,25,000 मिलेगा। ये हो गया आज का वैल्यू दिया, फ्यूचर वैल्यू निकालना है। और दूसरा होता है हम तुमको ये बोल रहे हैं कि अगर हमको 2 साल के बाद 1,10,000 चाहिए तो बताओ आज हम कितना इन्वेस्ट करें। उल्टा पूछ रहे हैं तुमसे, हम तुमको हम फ्यूचर वैल्यू दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं मेरे को आज का वैल्यू निकाल के बताओ। इस चैप्टर में ये मेन कहानी है। अब आप लोग हमको आंसर करो, किसी भी चीज का फ्यूचर वैल्यू निकालना या आज और फ्यूचर का प्राइस में जो डिफरेंस होना वो किस ग्राउंड पे डिफरेंस होता है, क्यों वो डिफरेंस होता है? क्या आज से 10 साल पहले जो 1 लाख का वैल्यू था आज भी वही 1 लाख का वैल्यू है 10 साल? अब मेरा क्वेश्चन जो था, क्या आज के दिन जो 1 लाख का वैल्यू है 10 साल पहले 1 लाख का वही वैल्यू था, या 10 साल पहले जो 1 लाख का वैल्यू था आज के दिन 1 लाख का वही वैल्यू है? नहीं। क्यों नहीं है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, वेरी गुड। और सर मनी का वैल्यू, मनी का वैल्यू वही तो क्यों चेंज हो रहा है? एक तुम रीजन दिए, देखो सीधा बात है मनीष, तुम बोल रहे हो मनी का वैल्यू बदला है सर। हाँ। तुम उनको एक रीजन दिए मनी के वैल्यू बदलने का, महंगाई। हाँ। कि महंगाई बढ़ गया सर, पहले आज से 10 साल पहले 1 लाख में जितना चीज आ जाता था आज नहीं आएगा क्योंकि महंगाई बढ़ गया। और एक रीजन क्या है कि आज के दिन फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू में डिफरेंस होता है, उसके पीछे एक और रीजन क्या है? बैंक में क्या मिलता है आपको? अरे डॉलर अकाउंट पर मत जाओ, वो तो अलग बात हो जाएगा। बैंक में तुमको क्या मिलता है पैसा रखते हो तो? इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्ट फैक्टर भी है। इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट फैक्टर भी एक रीजन है मनी के वैल्यू बदलने का। क्यों बैंक तुम आज 1 लाख रखते हो तो 1,10,000 तुमको वापस करते हो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, जो भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद? क्यों? क्योंकि तुमको बैंक इंटरेस्ट भी चुका रहे। तो तुम कभी भी नहीं बोलोगे कि आज 1 लाख दिए 1 साल के बाद हमको वापस 1 लाख दे देना, तो फिर क्या मतलब हुआ? तुम क्यों दोगे उसको पैसा? तुम्हारे अपने पैसे का कुछ, पैसे को कहीं पर रख के रखने का वैल्यू होता है इंटरेस्ट। तो ये दो रीजन है जिसके कारण मनी वैल्यू बदलता है, इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन। और भी रीजन है बट ये दो मेन कारण है। और रीजन क्या हो सकते हैं सर? डिमांड सप्लाई, ये भी एक रीजन हो सकता है। डिमांड और सप्लाई भी एक बहुत बड़ा रीजन है मनी के वैल्यू को बदलने का। और भी हजारों फैक्टर्स है भाई, हम लोग दो चार जस्ट कॉमन बात कर रहे हैं जो हम लोग रोज देखते हैं अपनी लाइफ में। और ये इन्फ्लेशन कहां से कैलकुलेट होता था? इंडेक्स नंबर, याद है स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर होता था, वहां से इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। तो देखो हम क्या पहला ही नोट में लिखा, ये जो चेंज है इसको क्या बोलते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी का अलग अलग टाइम में वैल्यू अलग अलग होगा, या टाइम के हिसाब से मनी का वैल्यू चेंज होता है। तो देखो इस कंसेप्ट का कंसेप्ट क्या है, रिकॉग्नाइज फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा। तुमको ये रिकॉग्नाइज करना है कि तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू क्या होगा अगर तुम आज इन्वेस्ट करते हो, या उल्टा बोल दो हमको फ्यूचर में 1 लाख चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करें।
मान लो आज हम बोलते हैं कि आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद हम रिटायर होंगे, तुम लोग इंश्योरेंस इंश्योरेंस का कहानी सुनते हो ना कि आज इन्वेस्ट कीजिए 21 साल बाद आपको इतना रुपया देंगे हम लोग, हर साल इतना रुपया दीजिए आपको 21 साल बाद इतना रुपया देंगे, 25 साल बाद इतना रुपया देंगे। ये लोग क्या कर रहा है, तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू ही निकाल रहे हैं कि आज इतना रुपया दोगे फ्यूचर में इतना मिलेगा। और हम लोग कैसे सोचते हैं, अगर हम 20 साल के, मान लो आज मेरा 35 है, हमको लग रहा है हम 55 में रिटायर करेंगे, तो मेरे जिंदगी में और कितना साल है मेरे पास, 20 साल। अब अगर हम सोचते हैं कि 20 साल बाद रिटायर करेंगे तब कम से कम जेब में 40-50 लाख रुपया तो होना ही चाहिए ताकि हम अपना जिंदगी ठीक ठाक जी सके, उस समय किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। यानी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 20 साल के बाद मेरे पास कहीं से 50 लाख रुपये हो, तो आज कितना इन्वेस्टमेंट करना चालू करें कि मेरे पास 20 साल के बाद 50 लाख रुपया होगा। यानी हमको फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ, हम उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिकॉग्नाइज फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा। और ये रीजन क्या है, देखो हम यहां लिख दिया, हमको दो टाइप का डिसीजन लेना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन। इस पूरा सब्जेक्ट में हमको ये दो डिसीजन लेने हैं, हम कितना इन्वेस्ट करें या फिर कहां से कितना फाइनेंस अरेंज करें। देखो ये भी तो प्लानिंग करना पड़ता है ना, कि मान लो हम एक एग्जाम्पल तुमको बोलते हैं कि हमको कोई आदमी रेडी है 10 लाख रुपया देने के लिए आज बिजनेस करने के लिए, और वो बोला पर ईयर वो मेरे से 10% इंटरेस्ट लेगा। अब अगर हम एक बिजनेस में ऐसा जगह पैसा लगा रहे हैं जहां पे मेरे को 11-12% का कमाई होगा, रिटर्न मिलेगा 11-12% का, क्या तुम हमको बोलोगे कि सर आपका डिसीजन ठीक है आपको कर लेना चाहिए काम। एक आदमी है वो मेरे को 10% इंटरेस्ट लेगा ही लेगा मेरे से, 10 लाख रुपया दिया 10% इंटरेस्ट साल का लेगा, और जिस बिजनेस में हम 10 लाख रुपया डाल रहे हैं वहां पे मेरे को कमाई 11-12% होगा। तुम क्या बोलोगे, सर ये काम करना चाहिए आपको कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बचेगा इतना छोटा अमाउंट जिससे आपका घर खर्च ही नहीं चलेगा सर। क्योंकि अगर ये 10 लाख का हमको 12% कमाई हो रहा है, 1,20,000 कमाई हुआ साल का, और हम 1 लाख तो साल का ब्याज ही दे दिए, तो मेरी जेब में क्या बचा, 20,000। यानी आप हमको बोल रहे हो सर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपके लिए उतना वायबल नहीं है, तो यही तो हम डिसाइड कर रहे थे आपके साथ मिलकर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे थे हम। या फिर कहां कहां से कितना डेट से पैसा लें, मान लो हम कंपनी है तो कितना इक्विटी शेयर से पैसा उठाएं, कितना डिवेंचर से पैसा उठाएं, कितना बैंक लोन लें, कितना बॉन्ड से पैसा उठाएं, ये सब डिसीजन लेना भी हमको पड़ता है। यानी फाइनेंस कहां कहां से अरेंज करें, ये डिसीजन लेना भी इस चैप्टर का कोर पार्ट है। तो ये इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का पूरा थीम है, कहां इन्वेस्टमेंट करें और कहां कहां से फाइनेंस अरेंजमेंट करें, यही प्लानिंग इस चैप्टर का कोर है। अब देखो यहां पे 2-3 वर्ड दिखाई दे रहे होंगे, पहला दो नाम दिखाई दे रहा है, कंपाउंडिंग टेक्निक और डिस्काउंटिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक का मतलब ही होता है तुम आज के दिन खड़े हो और फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहते हो, इस वर्ड को बोलते हैं कंपाउंडिंग करो। और डिस्काउंटिंग टेक्निक वर्ड तब यूज होता है जब हम फ्यूचर में खड़े हैं और आज का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जब भी तुमको सम बोलता है कि कंपाउंडिंग टेक्निक यूज करना है, मतलब तुमको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, और जब भी तुमको सम बोले तुमको डिस्काउंटिंग टेक्निक यूज करना है, मतलब तुमको फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ये दोनों वर्ड आप लोगों के डिक्शनरी के कॉमन वर्ड होने चाहिए, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। तो देखो कंपाउंडिंग टेक्निक का फॉर्मूला क्या लिखा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r^n। फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 1+r^n। ये r क्या हो सकता है यहाँ पे, हालांकि सामने नोट्स में लिखा हुआ देख के बोल सकते हो, बट अपना दिमाग, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और n क्या हो सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स टाइम, वेरी गुड, नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी, यानी नंबर ऑफ ईयर्स एनी टाइम्स। तो आप अगर 3 साल के बाद, अगर हम ये बोले आपको कि मेरे पास आज 2 लाख रुपया है, अगर हम बैंक में ब्याज पे रख दें, बताओ 3 साल के बाद हमको कितना रुपया मिलेगा। चलो आंसर करो आप लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। 10% इंटरेस्ट रेट है, 10% इंटरेस्ट रेट है, चलो ठीक है, 10% इंटरेस्ट रेट है, सोचो सोचो जल्दी,
1 लाख रुपया है मेरे पास, 10% इंटरेस्ट रेट है, 3 साल के बाद हमको कितना रुपया मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालना है हमको। ₹3 लाख मिलेगा सर। बाप रे बाप, बहुत भारी ब्लंडर की हो भाई। सतीश, बोलो। हाँ, 1,30,000 1,33,000 यस यू आर करेक्ट। आज अगर 1 लाख लगाते हो आयुष, 1 लाख का 3 लाख मतलब सोच रहे हो, तीन गुना 10% ब्याज करके जोड़ोगे, 3 गुना कहाँ से आएगा आयुष? नो प्रॉब्लम। चलो फॉर्मूला सॉल्व करने का तरीका अब हम बोल देते हैं। 1+r^n बोला है, r का मतलब 0.1 हो गया, फ्रैक्शन में लेना, 10r का मतलब 10%, तो 10% को अगर हम परसेंटेज वर्ड हटा दे तो क्या होगा, 10/100 करेंगे तो 0.1 आएगा। तो एफपी इज इक्वल टू, यानी फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1+0.1^3। ये हम बोल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1+0.1^3, यानी 1 लाख इंटू 1.1^3। कैलकुलेटर आप लोगों के हाथ में, मोबाइल नहीं, हम कैलकुलेटर बोले हैं। तो देखो कैलकुलेटर में 1.1 लिखो, मल्टीप्लाई का बटन टिपो एक बार और दो बार इक्वल टू मारो। ये आ गया तुम्हारा फैक्टर, इसको बोलते हैं फैक्टर। अब मल्टीप्लाई बाई 1 लाख कर दो, तुम्हारा 1,33,100 रुपया आंसर आएगा। तो ये है फ्यूचर वैल्यू निकालने का बुद्धि। कोई को डाउट, कोई को कुछ बोलना है तो बिंदास बोलो, क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक कैसे सॉल्व होगा। देखो कुछ नहीं किया, उसी फॉर्मूला को बुद्धि लगा के बदल दिया, पीवी इधर कर दिया, एफपी इधर कर दिया, या 1+r^n पीवी से मल्टीप्लाई हो रहा था उसको दूसरी तरफ भेज दिया। तो देखो पीवी का फॉर्मूला क्या बन गया, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r^n। उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, या मॉडिफाई भी नहीं किया, एक्चुअली फॉर्मूला वही का वही था, 1+r^n को फ्यूचर वैल्यू की तरफ भेज दिया, अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर दिए, नीचे चला गया। तो पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r^n। अब कैसे सॉल्व करोगे, 1,33,100 मेरे को फ्यूचर वैल्यू में चाहिए, 1,33,100 रुपया हमको फ्यूचर में चाहिए 3 साल के बाद, तो बताओ आज हम कितना रुपया इन्वेस्ट करें। 1,33,100 रुपया हमको फ्यूचर में चाहिए, तो बताओ आज हम कितना रुपया इन्वेस्ट करें। अगर रेट ऑफ रिटर्न 10% है वो तो ठीक है, तो आंसर अभी आए तो उसी से आएगा, बट बुद्धि क्या की है, 1,33,100 हम फ्यूचर वैल्यू में लिखे फॉर्मूला में, डिवाइडेड बाई 1.1^3। तो 1.1^3 कितना आया, 1.33। हाँ सर, 1.331 आया। तो बस 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.331 किए, गड़बड़ आया, 1,33,100, 1,33,100 डिवाइडेड बाई 1.331 किए, मेरा 1 लाख आंसर आ रहा है। आना वही था क्योंकि हम दोनों में सेम नंबर यूज किए, लेकिन एग्जाम में आपको कोई एक गायब रहेगा, कोई एक गिवन रहेगा भाई, या तो फ्यूचर वैल्यू गिवन रहेगा या प्रेजेंट वैल्यू गिवन रहेगा, प्रेजेंट गिवन रहेगा तो फ्यूचर निकालने बोलेगा, फ्यूचर गिवन रहेगा तो प्रेजेंट निकालने बोलेगा।
लेकिन ये वर्ड बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना कि डिस्काउंटिंग टेक्निक मतलब फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना, और कंपाउंडिंग टेक्निक मतलब प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना। ये दोनों वर्ड आपके बहुत काम आने वाले। इज इट क्लियर? यस सर। और ये भी हमेशा याद रख लेना, आगे बढ़ना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे आना है तो डिवाइड करेंगे फैक्टर से। देख लो वही कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किए फैक्टर्स से आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। पीछे आना होता है तो डिवाइड करते हैं फैक्टर से। ठीक है, अब आओ थर्ड वाला पॉइंट के ऊपर, एन्यूटी या परपिचुटी। एन्यूटी का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, नीचे लिखा हुआ भी है, और आप लोग जो लोग मेरे साथ हायर परचेज किए उनको ये एन्यूटी फैक्टर का कहानी भी इजी लगेगा। रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट मेड और रिसीव्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आप हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किए और आपको एक बार में एंड ऑफ द ईयर रिटर्न मिला। अभी तक दोनों एग्जांपल में क्या हो रहा था? हम आज एक बार में कितना इन्वेस्ट करें कि हमको फ्यूचर में 1,33,100 मिले, या आज 1,00,000 इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर 3 साल बाद एग्जैक्टली कितना मिलेगा एक बार में। तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक बार में हो रहा था, लेकिन यहां आप क्या बोल रहे हैं? एन्यूटी क्या बोला जाता है? एन्यूटी का मतलब होता है आप एक बार में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप तोड़ तोड़ के इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, हम 1,00,000 रुपए एक बार में बिजनेस में नहीं डाल रहे। हो सकता है पहला 6 महीने में 50,000 डाला, फिर नेक्स्ट 6 महीने में 75,000 डाला, फिर उसके बाद 25,000 डाला, ऐसे कर करके पैसा डाला, जिसको तुम रिकरिंग डिपॉजिट की तरह सोचो जरा। रिकरिंग डिपॉजिट का तो यही कहानी होता है, तुम हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हो। आजकल की डेट में जो लोग भी SIP करते हैं, आप लोग कोई अगर SIP में इन्वेस्ट करते हो तो ये टेक्निक है SIP का भी, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना डालो और एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद एक सर्टेन अमाउंट घर लेके जाओ। तो देखो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू एन्यूटी फैक्टर। अब ये एन्यूटी फैक्टर क्या है? मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो देखो हम क्या बोला, 1.1। फॉर्मूला क्या बन जाता है सुन लो पहले अच्छे से, एन्यूटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला लिख लो अगर कहीं पे कॉपी में कुछ कर रहे हो तो, 1/1+R। एन्यूटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/1+R। एक काम करो, अगर आप सबके पास कॉपी है, हालांकि हम आगे करवाए तो अभी सम, चलो ठीक है, जब सम करवाएंगे तभी बात करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू एन्यूटी फैक्टर, एन्यूटी फैक्टर कैसे निकलेगा? 1/1+R^n, 1/1+R, और ये 1/R^n होगा। इसका बात अभी सब में करेंगे। तो ये फॉर्मूला केवल याद रख लो कि एन्यूटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है एन्यूटी एंड परपिचुटी मेथड में होता है पीवी इंटू एन्यूटी फैक्टर, और एन्यूटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/1+R। आज एक थ्योरिटिकल बात लिखा, रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप। पीरियोडिक पेमेंट स्टार्ट ऑन अ फिक्स डेट एंड कंटिन्यू इनडेफिनेटली। रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप यही है, आप रिस्क कितना उठा रहे हो बदले में आपको कितना कमाई चाहिए। कोई बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की होता है, वहां पर हम लोग हमेशा ज्यादा रिटर्न का पहले से प्लानिंग करते हैं ताकि कोई टाइम लॉस लगे तो वो पहला वाला कमाई मेरे को बराबरी का मौका दे सके। आप लोग में से कौन कौन कपड़ा इंडस्ट्री में, शर्ट वगैरह का काम में कौन कौन है, कोई है कपड़ा लाइन में? कौन है? मनीष है आई थिंक। हाँ सर। मनीष सच बोल रहा है, यहाँ पे हम तुम्हारा प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं कर रहे, डोंट वरी। बट कपड़ा मार्केट में मार्जिन, कोई भी कपड़ा होता है उसका मार्जिन 100-150% रखा जाता है कुछ कुछ चीजों में। रीजन भी बोल देते हैं उसके लिए, क्योंकि आप लोगों का उधार लंबा होता है। हाँ, जहां उधार लंबा करते हो मनीष, वहां मार्जिन हाई रखते हो। हाँ सर। क्योंकि आप लोगों की लाइन में पैसा डूबने का भी खतरा बहुत आई होता है, इसीलिए ये रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप मनीष यही कैलकुलेट होते हैं कि इस लाइन में खतरा ज्यादा है पैसा डूबने का, तो हम स्टार्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन हाई रखेंगे ताकि कभी डूबे तो मेरा पुराना कमाई से वो एडजस्ट हो सके। एडजस्ट हो जाए। हाँ,
तो कपड़ा लाइन में जो शर्ट वर्ट का मैंने, इसीलिए तुम्हारा प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिवली नहीं बोला क्योंकि शर्ट वगैरह का जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होते ना, या साड़ियों के बिजनेस में जो लोग होते हैं तुम, वहाँ मार्जिन रेट बहुत हाई रखता है वो, तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन भी है क्योंकि कपड़ा मार्केट में बहुत पार्टियां हाथ खड़ा करके भाग जाती है। हाँ। तो पैसा डूबता बड़ा जल्दी है, तो वहां पे पहले ही रिटर्न आई रखते हैं, तो यही है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। इसका फॉर्मूला क्या है, पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फैक्टर पर मंथ, हर महीने का फैक्टर लेके यहाँ पे कैलकुलेट होता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा हाई होता है, तो पीवी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय फैक्टर पर मंथ, मंथली फैक्टर लेते हैं। यह हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा इसलिए उतना माता पिता का दरकार नहीं, ये तो सबको पता है। रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप कैसा होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न एंड वाइस वर्सा। डायरेक्ट रिलेशनशिप यही है, जिस लाइन में हाई रिस्क है तुमको वहां हाई कमाई भी चाहिए या वहां हाई कमाई मिलता भी है, और वाइस वर्सा जहां लो रिस्क है वहां लो रिटर्न है। कई बार नेगेटिव रिलेशनशिप भी होता है, हाई रिस्क लो रिटर्न, रिस्क बहुत ज्यादा लेकिन रिटर्न बहुत कम है। ऐसा डिपेंड होता है जनरली प्रोजेक्ट कैसा है, ये बहुत कम इंडस्ट्रीज में होता है, लेकिन इस टाइप का रिटर्न को नेगेटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। और एक होता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, द डिसीजन टू बी टेकन ऑन बेस अबाउट द टू रिलेशन, इन दोनों रिलेशन के बेस पे तुम अपना डिसीजन लेते हो। ये काम थ्योरेटिकल बात था, तो ये थ्योरी में पूछता है कि रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप का शॉर्ट नोट आता है, तो ये शॉर्ट नोट हम लिख दिए, लिखोगे ये डायरेक्ट रिलेशन है हाई रिस्क हाई रिटर्न, कभी कभी नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और एक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ होता है, मतलब तुम दोनों अब ऊपर वाला रिलेशन को देख के डिसीजन लेते हो। अब आते हैं कुछ सम के ऊपर। अच्छा एक बात और बोल देते हैं, अगर अभी आप तो जो फॉर्मूला सीखे थे 1+r^n पढ़े थे ना अभी, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r^n, अगर वो मंथली या क्वार्टरली हो रहा है तो फॉर्मूला बदल जाएगा थोड़ा सा, ऊपर भी मंथ से मल्टीप्लाई और आर को भी मंथ से डिवाइड। तुम्हारा अभी फॉर्मूला क्या था, FE इज इक्वल टू PV 1+r^n, दैट्स इट। अभी देखो क्या हुआ है, अगर ये हाफ ईयरली या क्वार्टरली हो रहा है, क्वार्टरली कितना महीना होता है, एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, तीन। तो अगर हम बोलते क्वार्टरली हमको फ्यूचर वैल्यू निकाल के बताओ, तो तुम बोलते सर FE इज इक्वल टू P1+r/3 और होल में ऊपर, मान लो तीन साल का बात करें तो 3 months × 3 years, या 4 साल का बात करें तो 3 months × 4 years, हाँ 9 हो जाएगा ऊपर, अगर 3 months × 4 तो 12 हो जाएगा ऊपर। तो इसको बोलते हैं क्वार्टरली या हाफ ईयरली कंपाउंड करना, हाफ ईयरली मतलब 6 महीना होता है, तो यहाँ हो जाता है एफ इज इक्वल टू P1+r/6 होल मल्टीप्लाई बाई 6 × 3 months × 3 years। हाँ, तो यहाँ पे ये ध्यान रख लेना कि अगर मंथली या क्वार्टरली बोल दे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। अभी हम लोग करेंगे इसके ऊपर सब, ये हम एक ही सम उठाए, शुभा इन्वेस्ट ₹10,000 @12% फॉर 3 years, फाइंड फ्यूचर वैल्यू इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली इफ कंपाउंडेड एनुअली, दोनों बात लिख दिए। शुभा इन्वेस्टेड ₹10,000 @12% फॉर 3 years, ₹10,000 इन्वेस्ट किए हैं 12% की रेट पे 3 साल के लिए, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू दे दिया, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है। एक बोला इफ कंपाउंडेड क्वार्टरली और बोला इफ कंपाउंडेड एनुअली, देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या किया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+r/m^n या n×m, एक ही बात हो गया। तो 10,000 × 1+r कितना है, 12%, 12% मतलब फैक्टर में कितना होगा 0.12, तो 0.12 होल डिवाइडेड बाय, एक क्वार्टर में कितना महीना होता है, यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुआ, 3 महीना होता है, अच्छा सॉरी 4 क्वार्टर होते हैं ना साल में, ये क्वार्टरली बोला है, क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर होते हैं, डिवाइडेड बाय 4 × ऊपर में 4 × 3, 3 ईयर्स बोला है, 4 क्वार्टर होते हैं। अब इसको सॉल्व किया, 0.12 को 4 से डिवाइड करो, पहले 0.12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.03, उसमें 1 ऐड कर लो, यानी 1.03 आ रहा है ब्रैकेट में, 1.03 to the power 12। अब कैलकुलेटर में कैसे करोगे, 1.03 × TPO और 11 बार इक्वल्स टू मारो, अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर है तो 1.03, ये 1.03 कैसे है सबको क्लियर है,
कोई कोई डाउट है तो बिंदास बोलो, नया चीज सीख रहे हो टाइम लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट दिया 0.12, साल में चार क्वार्टर होते हैं तो डिवाइड बाय 4 किए तो आ गया 0.03 और 1 प्लस था ब्रैकेट के अंदर तो 1 प्लस 0.03 यानी 1.03। अब 1.03 होल टू द पावर कितना है 4 × 3 मतलब 12, तो 1.03 को 12 बार आपस में मल्टीप्लाई करना यानी 1.03 × 1.03 × 1.03 ये करते जाओ 12 बार। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि 12 बार लिख लिख के करोगे, कैलकुलेटर यूज करोगे, 1.03 मल्टीप्लाई टिपो एक बार और 11 बार इक्वल्स टू टिपो, क्योंकि ऑलरेडी एक बार लिख दियो, 12 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 = 12 है यानी 12 बार मल्टीप्लाई करना है आपको, 12 बार की जगह 11 बार क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी लिख चुके हो 1.03। कितना आ रहा है? 1.42562 आना चाहिए था। एक बार और करो, एक बार और टिपो अगर उसको। हाँ सर, 68 आ रहा है। नहीं तब कुछ गड़बड़ है मेरे पास फिलहाल, कल में 1.462 आना चाहिए था, 4 to 6 आ रहा है ना मतलब। हाँ 4 to 5 7 तो वो 5 6 हो जाएगा। हाँ तो 4 to 6 ले लो, 1.426 आ रहा है तो 10,000 × 1.426 तो आएगा 14,262 या 14,260 आ जाएगा एक ही बार। हाँ यानी तुम आज के दिन 10,000 इन्वेस्ट करते हो और हर क्वार्टर में तुमको इंटरेस्ट मिलता है तो तुम्हारा आंसर आएगा 14,260 रुपए के आसपास तुमको 3 साल के बाद मिलेगा। अगर 12% इंटरेस्ट पे तुम पैसा लगाते हो कहीं पे और अगर तुमको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलने वाला है कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है वो इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 महीना बाद वो इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब टोटल होता जाएगा और पूरा बैलेंस पे वापस वापस इंटरेस्ट मिलता जाएगा। और यही बोला आपको एनुअली निकालो तो देखो हम क्या किए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻ⁿ, एनुअली था तो 10,000 + 1.12⁻³ इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.404928। आप 4 decimal या 3 decimal तक ले सकते हो, 1.405 कर सकते हो उसको, तो 10,000 × 1.405 14,049 रुपीज। तो अगर आपको साल में एक बार इंटरेस्ट मिलता है तो आपको 3 साल के बाद 14,050 रुपया मिलेगा अराउंड, और अगर हर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता जाता है और उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जुड़ता जाता है तो आपको 14,262 मिलेगा। क्लियर है ये? अब देखो एक और सब का बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है कि आपको 4-5 ईयर दिए हैं और आपको हर ईयर में कितना कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो बता रहा है। पहला साल 15,000, दूसरा साल 20,000, तीसरा साल 32,000, चौथा साल 20,000, पांचवा साल 18,000। तो आपको पीवी फैक्टर लगाना है तो 1.01 × 1। अगर आपको चौथा ईयर में पैसा चाहिए तो देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, पीवी फैक्टर निकाल लो पहले। पीवी फैक्टर अगर फिगर्स अलग अलग हो, याद है मैं अभी एन्युटी वाला में किया था कि अगर अलग अलग फिगर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम और आपको रेट ऑफ कंपाउंडिंग बोला 10% है तो 1.01 × 3, 1.01 × 2, 1.01 × 1, 1.010 और पांचवा साल में तो आपका कुछ नहीं हो रहा, आपको 4 साल तक कैसे हम करने बोले। और अगर इफ वॉन्ट आफ्टर 5th ईयर तो वैसे ही किया, फैक्टर से मल्टीप्लाई करता गया आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया एन्युटी फैक्टर सॉल्व करने का तरीका। इस क्वेश्चन में एक गलती करके हम बोलते वक्त आपको चौथा साल के एंड में पैसा चाहिए, पहला साल के लिए इसलिए देखो पावर 3 लिखा क्योंकि पहला साल खत्म होने के बाद कितना साल बच रहा है 3 साल। आपको दूसरा साल के एंड में अगर पैसा चाहिए तो दूसरा साल के एंड में आप 20,000 रुपया लगा रहे हो और आपको चौथा साल के एंड में पैसा चाहिए तो इंटरेस्ट कितना साल के लिए मिलेगा 2 साल के लिए। वैसे अगर तीसरा साल के एंड में आप 32,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट कितना साल का मिलेगा, आपको 4th ईयर के एंड में पैसा चाहिए
तो आप पहला साल के अंदर में जो पैसा लगाओगे उस पर आपको 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए फैक्टर में 3 लिखा। दूसरा साल के एंड में पैसा चाहिए तो पावर में 2 लिखा, क्योंकि दूसरा साल के एंड में पैसा लगाया और चौथा साल के एंड में चाहिए, और तीसरा साल के एंड में पैसा लगाया और चौथा साल के एंड में पैसा चाहिए तो 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, और चौथा साल के एंड में जो पैसा लगाए हो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देखो पीवी फैक्टर कैसे करके मल्टीप्लाई किया और निकाल दिया, तो 99,365 रुपया 87,000 आप अगर इन्वेस्ट करते हो आपको 99,365 इंटरेस्ट के साथ मिल रहा है। देख लो टोटल अमाउंट को जोड़े, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को 87,000 और फ्यूचर वैल्यू को निकाले 99,365। वैसे अगर फिफ्थ ईयर के एंड में चाहिए होता तो पहला साल के एंड में लगाया उस पर 4 साल का इंटरेस्ट, दूसरा साल के एंड में लगाया उस पर 3 साल का इंटरेस्ट, तीसरा साल के एंड में लगाया उस पर 2 साल का इंटरेस्ट, चौथा साल के एंड में लगाया उस पर 1 साल का इंटरेस्ट, और 5वां साल के एंड में लगाया तो उस पर 0 इंटरेस्ट। तो ये करके आपको 1 लाख, अगर आप 1,05,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो आपको 1,27,301 रुपया मिलेगा फ्यूचर। अब ये हम फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर एक सम्स करते हैं। मिस्टर एच टू रिसीव इन फ्यूचर ₹10,000, फ्यूचर में 10,000 मिलेगा आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और 14,000 आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ। आपको दो ऑप्शन दिए, आपको चूज करना है भाई, सीधा बात है, आखिरी समय आज का। आपको दो ऑप्शन दिए, आपको एक चूज करना है। क्या आप 3 साल बाद 10,000 रुपये लेके खुश हो या 5 साल बाद 14,000 रुपये लेके खुश हो, आप बोलो सीधा। अगर हम पूछते तो आप क्या आंसर करते हैं? बोलो, आपको हम बोल रहे हैं 3 साल के बाद 10,000 रुपया ले लो या 5 साल के बाद 14,000 रुपया ले लो, बोलो कौन सा लेना चाहोगे, क्या चॉइस करोगे? सर डिपेंड करेगा ना सर, रेट वगैरह अगर डिफर कर जाएगा तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते ना मनीष डायरेक्टली? हाँ क्यों नहीं कर सकते, हमको एक वर्ड का आंसर चाहिए, क्वेश्चन में वो आंसर छुपा हुआ है, एक वर्ड का आंसर है। आप डायरेक्ट कंपेयर क्यों नहीं कर पाए? डायरेक्ट कंपेयर रेट डिफर कर जा रहे इसलिए? नहीं, रेट तो नीचे लिखा है, रेट 10% है हर केस में। अरे तो 10% है। अरे भाई ये अलग अलग है सर, हम 3 साल बाद 10,000 या 5 साल बाद 14,000, ये डिसीजन हम ऐसे कैसे ले? दोनों का पीरियड अलग अलग है, डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते सर हम। तो सर कैसे करें? सर एक काम कीजिए, या तो इस 3 साल वाले को 5 साल पे ले जाइए, या उस 5 साल वाले को 3 साल पे ले आइए, या फिर और सीधा रास्ता है, दोनों को एकदम बिगिनिंग ऑफ द ईयर ले आइए, 0th ईयर पे ले आइए, फिर कंपेयर कर लीजिए, यानी प्रेजेंट वैल्यू बना लीजिए फिर कंपेयर कर दीजिए। दोनों में से जिसका पीवी हाई वही बेटर डिसीजन है। तो इसीलिए भी लोग फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखो फ्यूचर वैल्यू वाला, प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाए, पीवी इज इक्वल टू एफई डिवाइड बाय 1+R^n। फ्यूचर वैल्यू कितना है मेरा? 10,000। अगर पहले वाला सॉल्व किए तो 10,000 रुपये मिलेगा, कितना साल के बाद? 3 साल के बाद। तो डिवाइडेड बाई 1.1 to the power 3, मतलब 1+R^3, 1+0.1 to the power 3, यानी 1.1 to the power 3। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1 to the power 3, 1.1 का मतलब तो वही आएगा ना तुम्हारा, क्या बोलते हैं, 1.331। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1.331, 7,513 रुपया, या 7,510 कुछ आ रहा है, ठीक है 7,510 राउंड फिगर में लिखा है। यानी उस 10,000 जो 3 साल के बाद मिलने वाला, अगर आज मिलता तो कितना मिलता? 0th डे पे मिलता तो कितना मिलता? 7,510। वैसे ही 5 साल बाद वाले को भी कन्वर्ट किए, प्रेजेंट वैल्यू 14,000 डिवाइड, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड 1+R^5, तो 14,000 डिवाइडेड बाय 1.1 to the power 5। हम 1.1 to the power 5 को मल्टीप्लाई किए पहले, कितना आएगा? 1.1 into 1.1 into 1.1, मेरे पास मोबाइल है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, आप लोग कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर सकते हो। 1.1 into 5 बार 4 बार इक्वल्स टू टिप दो, 1.1 लिख के इनटू मार्क 1.6105। हाँ तो 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 1.6105, इसको मल्टीप्लाई बाय 14,000 कर लो,
22547. हाँ, मेरा यहाँ पे गलती हुआ है, सॉल्यूशन हम मिस्टेक है, हम 0.6 ले लिए गलती से, हम कुछ गलती किया, हम 1 समथिंग लेना था इसको. नहीं नहीं कुछ गलती हुआ, नहीं 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 कुछ गलती और हुआ. ओ अच्छा सॉरी, ये मल्टीप्लाई क्यों किया, तो डिवाइड बाय मारना है ना, डिवाइड वही डिवाइड होगा. हाँ तो डिवाइड करना, मल्टीप्लाई क्यों किए हैं भाई, तो 14,000 डिवाइडेड बाय कितना आया था, 1.605. हाँ 8722 या 8700 के आसपास आंसर आएगा. तो अब तुम दोनों का जो राउंड ऑफ चलता है तो फैक्टर में राउंड ऑफ, लेकिन आंसर में राउंड ऑफ नहीं. फैक्टर में तुम 3 decimal या 2 decimal तक लेके छोड़ सकते हैं, मेरा आइडिया 3 तक छोड़ो, आफ्टर डेसिमल 3 प्लेस तक लो. 3 प्लेस तक, हाँ तो 3 decimal प्लेस तक लो, तुम्हारा आंसर बेटर आएगा. ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है एक में यानी 3 साल के बाद जो 10,000 मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू लगभग 7,500 आ रहा है, और 14,000 जो 5 साल बाद मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू लगभग 8,700 आ रहा है. तो दोनों में से किसका प्रेजेंट वैल्यू बेटर है? 8,700 वाला. हाँ तो तुम वही वाला चूज करोगे, बोलेगे हमको 5 साल के बाद 14,000 मंजूर है. तो ऑप्शन विच इज बेटर पीवी या हाईएस्ट पीवी शुड बी एक्सेप्टेड, सो ऑप्शन 2 इज बेटर. इस टाइप का एक एग्जाम में डेटा दे सकता है और आपको छोटा मोटा सम सॉल्व करने बोल सकता है. ये आइडिया लेने के लिए चैप्टर